क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 14 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम उसके मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पाठ के आधार पे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये मौखिक प्रश्न है। कह पाठ, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों, आपको गांधी जी का पूरा नाम बताना है। तो बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, महात्मा गैपाट माता पिता की सेवा में गांधी जी किसे आदर्श मानते थे? तो बच्चों, माता पिता की सेवा में गांधी जी शरण कुमार को अपना आदर्श मानते थे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? शरण कुमार को अपना आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न देखो, गृहपाठ, गांधी जी को राम नाम जपने की शिक्षा किसने दी थी? यानी कि गांधी जी जो राम नाम जपते थे, ये शिक्षा उनको किसने दी? तो बच्चों, गांधी जी को राम नाम जपने की शिक्षा उनकी दाई रंभा ने बचपन में उनको दी थी। ये बचपन से ही जो उनकी दाई थी रंभा, वो उन्हें बचपन से राम नाम जपने की शिक्षा उन्हें देती थी। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हुए। उसके बाद हमारा आता आगे का लिखित प्रश्न। तो आगे बच्चों, हमारा प्रश्न है, हमारा जो अगला है वो है लिखित। और लिखित का हमारा पहला प्रश्न है, कह पाठ, महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया किया? तो देश के लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो बच्चे, पाठ के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। ठीक है, यानी कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया उन्होंने और देश को अंग्रेजों से आजाद किया। ठीक है, अगला देखो, महात्मा गांधी जी पढ़ने में कैसे थे? तो बच्चों, पाठ के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि बचपन में गांधी जी पढ़ाई में इतने अधिक अच्छे नहीं थे, यानी कि वो पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगे, जिसके बाद उन्हें कई इनाम और छात्रवृत्तियां भी मिलने लगी थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न देखो, गैपाठ, गांधी जी की सत्यवादिता की बचपन की एक घटना बताइए। तो बच्चों, पाठ में हमने जो उनकी एक घटना सुनी थी जिसमें उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उसका हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए बच्चों, पाठ के आधार पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक बार एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल के निरीक्षण के लिए आए, तो उन्होंने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से 5 शब्द लिखाए। उनमें से एक शब्द गांधी जी ने गलत लिखा, सही नहीं था, तो अध्यापक जी ने उन्हें इशारा किया कि दूसरे बच्चों का देख के वो उसको सही कर ले। लेकिन क्योंकि गांधी जी सत्य हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी उन्होंने झूठ या गलत का सहारा नहीं लिया, तो उन्होंने वो काम नहीं किया क्योंकि उन्हें वो गलत लगा। तो इस प्रकार गांधी जी ने अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया, यानी कि बेशक चाहे उनको डांट लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आगे का प्रश्न देखो, गृहपाठ, महात्मा गांधी को बच्चे प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका अंतर, महात्मा गांधी को बच्चे प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास हमने किया। उसके आगे का देखो, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर टिक लगाना है हमें।
ठीक है, प्रश्न संख्या दो, पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो बच्चों हमारा जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, पहला, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखो, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो बच्चों चैप्टर के घर पे हमारा आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ? 15 वर्ष, 16 वर्ष या 17 वर्ष? यानी कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पाठ के आधार पे हमारा आंसर होगा कि 16 वर्ष के, जब महात्मा गांधी 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। आगे देखो, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को देख के हमें सही शब्दों का चयन करके हमें ये खाली स्थान भरने हैं। महात्मा गांधी थे, तो कैसे क्या थे बच्चों महात्मा गांधी? तो हमारा चैप्टर के आधार पे क्या आंसर होगा, सत्यवादी, महात्मा गांधी सत्यवादी थे। खै पाठ देखो, गांधी जी अन्य छात्रों के साथ मिलकर को भला बुरा कहते थे, किसको कहते थे? तो बच्चों हमारा सही उत्तर होगा अध्यापक को भला बुरा कहते थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला देखो, एक बार स्कूल निरीक्षण के लिए आए, कौन आए बच्चों? इंस्पेक्टर, तो हमारा थर्ड में क्या आएगा, इंस्पेक्टर स्कूल निरीक्षण के लिए आए। आगे देखो, गांधी जी की महत्ता नहीं समझते थे, किसकी महत्ता नहीं समझते थे? तो हमारा उत्तर होगा विवाह, गांधी जी विवाह की महत्ता नहीं समझते थे। ठीक है, और हमारा आखिरी फिलअप है, आगे चलकर महापुरुष बने और डैश में प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ पे हमारे दो ही ऑप्शन है, आगे चलकर बापू महापुरुष बने और संसार में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो आज अभ्यास करे, कि आप इनका अभ्यास करिए, इनको अच्छे से समझिए, अगली क्लास में हम इसके आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।